अभी जिंदा हूं मैं, जा। हार लाओ। सर तुम हार पहनाओगी तो पहन लूंगा मैं। अब पहना भी दे। अब आओ जॉन। हाँ मचल रहा है हीरो का मन। ब्रिलियंट कैच। उस दिन तुमने मुझे पकड़ा, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हिसाब बराबर हो गया। कैसा लग रहा है हा? About turn! अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अब कौन सा पॉइंट? Listen to me carefully, be serious. पूरे आजमगढ़ शहर में पुलिस वालों के पेट उनकी अकल से ज्यादा बड़े हैं। रिश्वत खाओगे तो यही होगा। रिश्वत खोर कहीं के 25 किलोमीटर में फैले शहर की हिफाजत के लिए एक कमिश्नर, 7 ACP और एक ACP के नीचे 56 इंस्पेक्टर्स, 73 सब इंस्पेक्टर्स और 562 कॉन्स्टेबल्स हैं। लेकिन फिर भी इतना अपराध क्यों है? कत्ल, लूटमार, टोटल 1412 केसेस हैं। चोरी के कुछ 626 केस हैं और 15 गैंग्स यहां काम करती हैं। सोच सकते हो 15 गैंग्स का क्या मतलब है? और उन 15 गैंग्स में 416 बदमाश हैं। और ये मामूली बदमाश नहीं, बहुत खूंखार है। अब तक जो तुमने किया भूल जाओ, लेकिन आज से एक नए प्लान पर अमल करेंगे। यहाँ हो रहे कत्ल, चोरी, गुंडागर्दी, बदमाशी और कई गैर कानूनी धंधों पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। सर सर फोड़ दूंगा तेरा। कितनी बार कहा इमोशंस पे कंट्रोल किया करो। जिसने भी एक्शन लिया वो गया। ना तुम कोई एक्शन लोगे और ना ही कोई रिएक्शन दोगे। उसकी बजाय तुम उनसे रिश्वत लोगे और खुश रहोगे। Got it? हम रिश्वत लेंगे? ऑफिसर है। साला, दबंग जैसे डायलॉग तुम्हारे, लेकिन मवाली तो मवाली रहेगा ना। सर। Yes? सर, अंदर जाकर चार्ज ले लेंगे। तुमने बहुतों को चार्ज लेते देखा होगा, पर मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, तो मैं अभी दिखाता हूँ। बाबू मुझे आए, ये लोग मुझे चार्ज लेने के लिए कह रहे हैं। बोलो तो ले लूं। सबकी बैंड बजा डालो। सबकी पुंगी बजाऊंगा। वो मेरे पुरखों की जायदाद है। हम वहां शॉपिंग मॉल बना सकते हैं बाबा। ऐसा मत कीजिए, उसे मैं नहीं बेचना चाहता। वो जगह खाली कराओ। ठीक है बाबा, अपने साथ पुलिस ले जाना।
बहुत मजा आया, वो तो मान नहीं रहा था। मर चुकी थी। अंकल, मेरी मम्मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? क्या हुआ है उन्हें? मम्मी के पेट में मेरा छोटा भाई है। लगता है अब वो मेरे साथ नहीं खेलेगा अंकल। चलिए जाइए। देख रहे थे। लेकिन सब जाओ जाओ। अरे सुनो सुनो, क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना तुम्हें मत देखो। ये क्या हो गया? आवाज तो कानों में गूंजती रहेगी। क्या तुम्हें लगा ये किस्सा खत्म हुआ? ये तो शुरुआत है उन बच्चों के दर्द का जो अनाथ हो गए, जिनके बच्चे मर गए उन माता पिताओं के आंसुओं का। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम पुलिस में शामिल हो गए हो। तुम ही ने उन मासूमों की हत्या की है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन बेकसूरों के खून लिख
मेहरबानी है सर। बताइए। सर, मेरे पति प्रेस में एक रिपोर्टर का काम करते हैं सर। उन्होंने शिवा के खिलाफ एक खबर छापी थी, इसीलिए शिवा के लोगों ने बीच सड़क पे बड़ी बेरहमी से मेरी आंखों के सामने उन्हें मार डाला। मेरा सुहाग उजाड़ दिया उन लोगों ने। उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर। मैडम, यहाँ ये सब बातें मत करो, आप चली जाओ। मुझे हर कीमत पर इंसाफ चाहिए। उन लोगों का चेहरा मुझे अच्छे से याद है। कहीं वो हम तो नहीं? सर, 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 यही लोग है वो, यही है सर। भाई, हे बुढ़ो, चल निकल 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 यहाँ से। सर, इन्होंने मेरे पति को मार डाला सर, अब ये मेरी जान लेना चाहते हैं। इन्हें रोकिए सर। शक्ति, ये पागल इतना भी नहीं जानती कि हमारे इस कांड में तू भी शामिल है। क्या कर रहा है शक्ति?